गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम करंट अफेयर्स से लेके आए हैं एंड जो भी लास्ट वीक में न्यूज़ हुई हैं वो आपके सामने मैं आपके कुछ डिस्कशन करूँगा। एंड करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो इस बात को हम समझेंगे कि करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है कि एग्ज़ाम्स SSC हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे आपका UPSC है या PCS है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में करंट अफेयर्स आपका आता ही आता है। एंड UPSC का बात करें तो 25 से 30 आपके क्वेश्चंस आता है करंट अफेयर्स का। PCS में भी, चाहे UP PCS है, चाहे बिहार PCS है, चाहे वो पंजाब PCS है या हरियाणा PCS है, सभी में आपका 25 से 30 क्वेश्चंस रहता ही है। बात करते हैं SSC का, तो वहाँ भी आपको CGS में 25 क्वेश्चंस आता है, GS में तो 25 क्वेश्चंस में से 4 to 5 क्वेश्चंस आपका रहता है करंट अफेयर्स का। बात करते हैं बैंक का, IBPS का एग्ज़ाम्स का, SBI के एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ पे आपको 40 मार्क्स का GA लगभग आता है, 40 का एंड 50 का। तो कहा कि 40 में से आपका जो 20-25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का होता ही होता है। तो आप एक मानते हैं कि मेंस में जो करंट अफेयर्स का वेटेज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने में, तो इस वजह से करंट अफेयर्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स वो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में एट द एंड जब मेंस होगा तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन एट द एंड आपको जब मेंस होता है बैंक का तो उसमें 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको आता है। तो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको एट ए टाइम एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं हो सकता है, तो इस वजह से हमें धीमे धीमे डेली बेसिस पर उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जो लास्ट वीक में हुए हैं कुछ न्यूज़, तो वो हम आपके सामने लेके आए हैं। 8 नवंबर से 14 नवंबर तक जो न्यूज़ हुए हैं तो इसको आपके सामने हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इसका बात किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो या UPSC PCS हो। अब हम कहें कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो जैसा आपको पता है कि IBT आपका बहुत ही रनाउंड एक चैनल है, बहुत ही बड़ा नाम है देश में एंड बहुत सारी हमारी ब्रांचेज हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के उस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये आपकी श्योरिटी है कि आपका 95-98% आपको क्वेश्चंस आपको देखे हुए दिखाई देंगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो ऐप है। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। तो कुछ न्यूज़ हमारे सामने हैं, तो नए पढ़ते हैं आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है उसको देखते हैं क्या है। नेशनल म्यूज़ियम सेलिब्रेट्स डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनिशिएटिव। तो कहा कि जो नेशनल म्यूज़ियम है इंडिया का, जो दिल्ली में है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनिशिएटिव को एक प्रमोट किया है, उसको आगे लेके जाने का प्लानिंग किया है। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हम बात करें मिज़ोरम की, हम सिक्किम की बात करें, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे माहौल है, आप घूमने जा सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया में बात करते हैं, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अपने आप में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। तो एक डेस्टिनेशन के रूप में उसको डेवलप करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए ये एक इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो समझते हैं नीचे क्या पॉइंट दिया हुआ है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली सेलिब्रेट रिच हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर एंड NEC इनिशिएटिव टाइटल एज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका बहुत सारा मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, तो डिफरेंट आपके फंक्शंस के लिए देश में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री का नाम दिया है डोनर, तो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, NEC का मीन्स क्या है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का बात किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है अपना, तो उस वजह से उस पर खास ध्यान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है कि इसको खास इसको डेवलप करना है। पीछे आपको पता है कि तिब्बत है, चाइना है, तो साथ में एक सीमा हमारा टच होता है, जिससे कि क्या है कि थोड़ा सा एक सेंसिटिव एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का है और काफ़ी ज़्यादा उसको हम ध्यान में देते हैं। नाशु हर्षा नाशु, साउंड काफ़ी कम आ रही है, ओके मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ साउंड, अभी साउंड आई थिंक ठीक आ रही होगी आपको, अभी साउंड ओके होगा शायद। तो थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है साउंड को। तो कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ाना चाहती है, उसको एज ए वो डेस्टिनेशन आपको उसको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है, इंडियन जनता है, इंडियन पॉपुलेशन है, या वो आपका विदेशी जो पर्सन्स आते हैं इंडिया में घूमने, वो नॉर्थ ईस्ट में घूमने आए।
तो कहा कि उसको बढ़ाना चाहते हैं हम, तो वो नेशनल म्यूज़ियम ने उसको एक इनिशिएटिव के रूप में उसको आगे बढ़ाया, एक सेलिब्रेशन उसको मनाया है। यहाँ पे एक टर्म दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको क्या कि क्या है ये। तो कहा कि अभी जो आपका 2022 में 2022 में 15 अगस्त को हम मनाएंगे, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस में 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 75 साल कंप्लीट करेंगे हम 2022 में 15 अगस्त 2022 को। तो जो 15 अगस्त 2022 को हम मनाएंगे 75 ईयर्स देश के इंडिपेंडेंट होने के, तो इसके लिए पहले से ही काफ़ी तैयारियां चल रही हैं देश में। बहुत सारी चीज़ें एक सेलिब्रेशंस मनाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह चीज़ें चल रही हैं। तो अभी वो 15 अगस्त 2021 से ही स्टार्ट हो गया है मनाना चीज़ों को, एंड 15 अगस्त 2023 तक इसको मनाएंगे हम। तो पूरा ये 2 साल का फंक्शन रहेगा। तो इसका नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी के अंडर में ये भी आपका दिया गया है जो आपके सामने पॉइंट है कि जो नेशनल म्यूज़ियम ने उसको नॉर्थ ईस्ट को एज ए एक डेस्टिनेशन के रूप में उसको डेवलप करने का प्लानिंग किया है, तो इसी के अंडर में आता है वो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज़ ए 7 डे ऑनलाइन प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स कल्चरल परफॉर्मेंसेज। कहा कि ये 7 दिन का एक रहेगा जो सेलिब्रेशन रहेगा, जिसमें एक सांस्कृतिक कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कुछ फोक डांसेस होंगे एंड म्यूज़िक होगा, कुछ आपके डांसेस रहेंगे। एंड आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आपका हमारे पास वैरायटी है, चाहे वो हम डांसेस की बात करें चाहे हम म्यूज़िक का बात करें, तो सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। तो जो हर एक स्टेट के अपने अपने डांसेस हैं, तो वहाँ पर कुछ डांसेस प्रजेंट किए जाएंगे, कुछ म्यूज़िक प्रजेंट किए जाएंगे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम कॉमा मणिपुर मिजोरम नागालैंड सिक्किम। तो यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारा हमारे पास डांसेस के पैटर्न हैं, तो उनको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे जो आपकी और ये टीम्स रहेंगी, बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्मेट। ऑनलाइन भी रहेगा सब कुछ, आपको आज के टाइम में डिजिटल इंडिया की ज़माना है, तो चीज़ें ऑनलाइन भी रहेंगी, एंड साथ में आपका वहाँ पे आप देखने जा सकते हैं उसको, आप सुन सकते हैं लाइव, उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद कहा मिस्टर मिस नाजिया कमल होस्टेड द प्रोग्राम, कि जो नाजिया कमल है वो होस्ट करेंगे प्रोग्राम को, जो ऐसा फंक्शन रहेगा इसका होस्टिंग करेंगी मिस नाजिया कमल, तो वो होस्ट करेंगे। आप जैसे भी देखते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी सेरेमनी होता है, वहाँ पे एक होस्ट होता है, तो होस्ट रहेंगी नाजिया कमल, जो कि आपका सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ी रही हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ाते हैं सेकंड न्यूज़ पे आते हैं। तो आ गए हम सेकंड न्यूज़ पे। तो कहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्चेस अ टैली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, एंड उसका नाम है टैली लॉ ऑन व्हील्स। तो समझते हैं इसमें है क्या। मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या हम सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं या हाई कोर्ट का बात करते हैं, जब जस्टिस का बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो न्याय है वो हर एक पर्सन तक पहुँचना चाहिए, कि न्याय गरीब को भी दिया जाना चाहिए, एंड पॉवर्टी जो पुअर पर्सन्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो उन तक न्याय कैसे पहुंचेगा। एडवोकेट होते हैं तो उनको फीस देना पड़ता है, तो जो गवर्नमेंट है उसका एक इनिशिएटिव है कि जो पुअर पर्सन्स हैं उनको भी न्याय दिया जाए, एंड जो एडवोकेट्स हैं उनको कुछ गवर्नमेंट कुछ एडवोकेट्स प्रोवाइड करती है पुअर पर्सन्स को, कि उनको फीस नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने साइड से एडवोकेट देगी। तो ये आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि पुअर पर्सन को भी न्याय मिल सके। तो कहा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज स्टार्टेड ए वीक लॉन्ग टैली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन फ्रॉम 8 to 14 November 2021। कहा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक हफ्ते का ये जो आपका कैंपेन है वो स्टार्ट किया है 8 to 14 November 2021 तक। एंड इसमें क्या होगा, तो आगे नीचे कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं। एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन टू एम्पावर पीपल थ्रू प्री लिटिगेशन एडवाइस फॉर राइटफुली क्लेमिंग देयर एंटाइटलमेंट्स एंड फॉर टाइमली रिडर्सल ऑफ देयर डिफिकल्टीज। कहा कि यहाँ पे हम जो पर्सन्स होंगे, जो पब्लिक होगी, उन तक पहुँचेंगे, उन तक जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पहुँचेगा, कि उनको कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज हैं, ऐसी कोई भी उनको एडवाइसेस चाहिए हैं जो कि लॉ से जुड़ा हुआ है, तो उनको दिया जाएगा। एंड कैसे दिया जाएगा, देखो नीचे दिया है हमने कि स्पेशल लॉगिन वीक इज़ ऑल्सो बींग ऑर्गेनाइज फॉर एनकरेजिंग दोज इन नीड टू सीक लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन थ्रू टेली एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। कहा कि हम टेलीफोन के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे एंड वीडियोस के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे, कि उनको जैसे भी जिस माध्यम से उनको चीज़ें चाहिए, एडवाइसेस चाहिए, चाहे टेलीफोन के माध्यम से चाहिए, चाहे वीडियोस के माध्यम से, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो उनको एडवाइस देगा।
ताकि यदि आपके पास एक लीगल एडवाइस रहेगी तो आप कुछ भी सही से कदम उठा पाएंगे, एंड हाई कोर्ट हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट्स हैं, तो आप वहाँ पर सही से अप्रोच कर पाएंगे, तो जिससे कि एक जो कानूनी जानकारी है वो आम जनता तक पहुँचेगी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें कि एक जो गाड़ी है, जो एक वैन है, वो एक चलाएंगे, एंड उसमें ये चीज़ें रहेंगी कि वो जनता तक पहुँचेगी, एंड ताकि जनता आगे बढ़े, उनको कानूनी जानकारियाँ हम दे सकें। उसके साथ ही बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर अपन। तो थर्ड पॉइंट हमारे सामने है, कहा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड IND होल्ड फिल्म टूरिज्म सिंपोजियम इन मुंबई। कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज़ किया है मुंबई में। समझते हैं सिंपोजियम होता क्या है। सिंपोजियम की हम बात करें तो सिंपोजियम आपका जो है वो एक मीटिंग होता है जिसमें कि हम कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एक्सपर्ट्स बैठते हैं एंड कोई पार्टिकुलर जो मुद्दा है उस पर डिस्कशन होता है। तो कोई भी मुद्दा हो सकता है। यहाँ पे हम जो मुद्दा है वो एक फिल्म जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने का हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो टूरिज़्म है एंड फिल्म इंडस्ट्री है उसको एक एज ए टूरिज़्म एज ए उसको प्रमोट किया जाए ताकि जनता वहाँ तक पहुँचे। तो नीचे कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं। कहा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सिंपोजियम ऑन फिल्म टूरिज्म एट ताज लैंड्स एंड मुंबई। कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है मुंबई में, एंड ताज जो आपका होटल है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। कहा कि जो फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको फिल्म का शूटिंग होता है, तो वहाँ पे कुछ सीन्स आप देखते हो मूवीज़ में कि यहाँ पे ये सीन शूट हुआ है, यहाँ पे ये सीन शूट हुआ है, तो जहाँ का जो सीन फेमस है तो वहाँ पे उसको सीन को जो लोकेशन है उसको प्रमोट किया जाए ताकि जो आम जनता है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो मजबूत बने वहाँ का। जब जनता पहुँचेगा तो वहाँ पर जो इकोनॉमी है, जो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनका एक मार्केट अच्छा बनेगा जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। एम क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने एम दिया है, टू प्रमोट फिल्म टूरिज्म बाय एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द स्टेट्स फॉर कंडक्टिंग फिल्म शूटिंग्स। कहा कि जो जहाँ पे फिल्म की शूटिंग्स होती है उनको एज ए जो साइट्स हैं वहाँ पे उनको डेवलप किया जाए कि जहाँ पे जनता जाए और घूमे, देखे और सीखे वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो मजबूत बनेगा। उसके बाद कहा फिल्म टूरिज्म का बात किया हमने, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट अमंग जनरल पब्लिक फॉर द प्लेसेस विच बिकम पॉपुलर ओइंग टू देयर प्रेजेंस इन सर्टेन सीन्स ऑफ मूवीज। कहा कि हम देखते हैं जैसा मैंने पीछे कहा आपसे, कुछ फेमस सीन्स होते हैं जो हम देखते हैं मूवीज़ में, तो वो जो सीन्स हैं वो प्रमोट हो सकें, वो आगे बढ़ सकें, एंड वहाँ पे जो जनता है उन सीन्स को जाके देखें, तो उसके लिए ये हमने स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उनका जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, कहा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 रिलीज़। कि जो आपका ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है वो आ गया है 2021 का, तो समझते हैं कि उसमें इंडिया का रैंक कितना है एंड कैसे कैसे किन किन देशों ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है। तो कहा कि हम रिडक्शन कंसोर्टियम हैज़ रिलीज इन ऑगरल एडिशन ऑफ ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। कहा कि जो आपका दवाइयां हैं उनका बॉडी पर इफेक्ट कैसे होता है, एंड जो आपकी पॉलिसी है, ड्रग पॉलिसी है, वो UN के साथ कैसे मैच करता है। जो हर एक देश का ड्रग पॉलिसी होता है वो UN के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से ये आपका जो सभी देशों को रैंकिंग इशू किया गया है। 5 लीडिंग कंट्रीज ऑन ह्यूमन एंड हेल्थ ड्राइवन ड्रग पॉलिसीज़। जो 5 देश हैं जिन्होंने टॉप किया है इस आपका इंडेक्स में, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, पोर्टुगल है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। जैसा कि हम देखते हैं जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हो, चाहे वो IMF के हो, जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं, तो उसमें जो नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा नंबर 1 पे होते हैं। तो वैसे ही अगेन इस इंडेक्स में भी नॉर्वे ने आपका जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। द इंडेक्स इज़ ए डाटा ड्राइवन ग्लोबल एनालिसिस ऑफ ड्रग पॉलिसीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विच कम एट ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द प्रोविजंस ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। कहा कि ये अभी रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका एक्ट है, जो मेडिसिन से जुड़ा हुआ एक्ट है 1985 में जिसको बनाया गया है, तो उसका वो जांच कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रही है, कुछ पब्लिक के हिसाब से कुछ अच्छा कुछ चेंजेस करना चाह रही है एंड कुछ अच्छा चीज़ें देना चाह रही है इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस टाइम पर जो आपका ये इंडेक्स है वो आया है। कहा कि इंडिया इज़ रैंक्ड 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़ विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 46 आउट ऑफ 100। कहा कि इंडिया का जो रैंक है वो 18 आया है,
एंड कितने कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट किए हैं इस इंडेक्स में? 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इस इंडेक्स में, जिसमें से कि इंडिया का रैंक 18 है। एंड कितना स्कोर किया है इंडिया ने? 46 स्कोर किया है। कितना पॉइंट्स में से? 100 पॉइंट्स में से। कहा कि देखो, हाँ, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि जो ड्रग पॉलिसी है हर एक देश का अपना है, दवाई के जुड़े जो नियम कानून है हर एक देश में अपने हैं। तो कहा कि जो हर एक देश का ड्रग पॉलिसी है उसको कंपेयर किया गया यूएन का जो स्टैंडर्ड्स है, यूएन का जो हेल्थ का स्टैंडर्ड्स है उनके साथ, और एक इंडेक्स इशू किया गया है, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग दिया गया है दुनिया में। इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है, इंडिया का रैंक 18 है। जो भी एग्जाम्स होंगे तो आपको इंडिया का रैंक पूछता है या पूछता है कि टॉप में कौन रहा, तो आपको नॉर्वे को ध्यान रखना है, नॉर्वे या न्यूजीलैंड वहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ के साइड में। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने आगे हमारे सामने आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे सामने कहा, पंजाब बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रोल्स। कहा कि पंजाब जो है पहला राज्य बन गया है जिन्होंने टिश्यू कल्चर को आपका जो प्रमोट किया है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर एक टर्म दिया है टिश्यू कल्चर। कहा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है उसको समझते हैं। तो टिश्यू कल्चर में आप हम कहें कि आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपका टिश्यूज़ होते हैं, उसको हम डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। जैसा कि लैब्स होती हैं तो वहाँ पे टिश्यूज़ को या सेल्स को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा पोटैटो है, टोमेटो है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है हमारे पास। तो कहा कि ये कभी कभी एनवायरनमेंट इनके अनुकूल नहीं होता है, इनके हिसाब का नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम कि फूड हमारी ये ह्यूमन सभ्यता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फूड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि फूडिंग का बहुत ज़्यादा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम जाते हैं बात करते हैं तो फूड की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी हम एशिया में हैं या हम यूरोप में हैं तो काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा फूडिंग है, लेकिन अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं फूडिंग का। तो फूड बहुत ही एक आवश्यक है। तो फूड को प्रोड्यूस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है, उसको बचाना, क्लाइमेट है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, जिससे आपका जो हमारा गेहूं है या जो वीट है, जो राइस है, मक्का है, वो हमारा डैमेज हो जाता है। कहा कि उसको हम ऐसे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करें जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। तो उसके लिए हमने एक जो पंजाब है उन्होंने कदम उठाया है, एंड जहाँ पे जो पोटैटो से जुड़ा ये सारा सीड्स रहेगा उसको हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको हम उसको बढ़ाएंगे, उसको बनाएंगे आगे। गुड मॉर्निंग ऋषिका शर्मा। तो कहा कि विद दिस डिसीजन पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव द फैसिलिटी ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन। तो पंजाब इसी सुविधा के साथ कि वहाँ पे पोटैटो के जो सीड्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। तो कहा कि इसके साथ जो पंजाब है वो पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। उसके बाद कहा विच विल डेवलप जलंधर कपूरथला बेल्ट ऑफ पंजाब एज द एक्सपोर्ट हब ऑफ द पोटैटोज। कहा कि जो जलंधर है, कपूरथला है, यहाँ पे पोटैटो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इनको फ़ायदा होगा, इन डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा होगा, इन शहरों को फ़ायदा होगा। तो कहा कि इस जो आपका जो इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का इससे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया, कहा द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव टू इंट्रोड्यूस द पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021 बाय अमेंडिंग पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961। तो कहा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है तो इन एक्ट्स को भी ध्यान में, इनको एक्ट्स में भी कुछ चेंजेस करेगी, अमेंड करेगी। अमेंड का होता है मीनिंग संशोधन करना, अमेंडिंग शब्द यहाँ पे यूज़ किया है हमने। तो अमेंडिंग हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अमेंडमेंट्स को पढ़ते हैं, तो संशोधनों की बात करते हैं, अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना, दैट इज़ अमेंडमेंट। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स को बनाया हुआ है। तो वहाँ पे अभी पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट का बात की है, तो जिसमें कुछ चेंजेस करेगा जो पंजाब गवर्नमेंट है। तो यदि कोई स्टेट का एक्ट है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, यदि सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है उसमें। तो इस उसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ गया है, तो समझते हैं क्या है इसमें। यूएसए बिकम्स 101 फर्स्ट मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यूएसए जो है 101वां सदस्य बन गया है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो कहा कि क्या है इसमें, तो इसको नीचे समझाया है कुछ पॉइंट्स के साथ हमने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज ए मेंबर कंट्री। आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आपका आईएसए है वो एक इंडिया का इनिशिएटिव है। कहा कि जो सन का एनर्जी है वो बहुत ही आवश्यक है, एंड बहुत ही उसका सदुपयोग हो सकता है, उसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमन सभ्यता है। कैसे? सन का जो एनर्जी है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिससे हम सब कुछ, जितना भी इंडस्ट्री है, जितना भी मशीन्स है, उसको रन कर सकते हैं।
तो जो सन का एनर्जी है उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है दुनिया में सभी देशों को एंड इंडिया को भी। तो कहा कि यूएसए अभी हमारे साथ जुड़ गया है, तो ये जो आईएसए है वो इंडिया का इनिशिएटिव है एक, एंड यूएसए भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा, यूएसए इज़ नाउ 101 फर्स्ट कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द आईएसए। तो यूएसए 101 नंबर का देश बन गया है जिन्होंने इसके साथ हमारे साथ टाइप किया है, 101वां देश बन गया है। आईएसए फ्रेमवर्क वाज फर्स्ट सर्कुलेटेड फॉर द सपोर्ट ऑफ कंट्रीज इन 2016। आईएसए को स्टार्ट किया था सबसे पहले 2016 में। उसके बाद कहा, आईएसए इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस टू एक्सलरेट द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ सोलर पावर विद हेडक्वार्टर एट गुरुग्राम। कहा कि जो आईएसए है वो कदम है, इनिशिएटिव है जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट एंड फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, एंड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है, जिसका नाम अभी क्या हो गया है? गुड़गांव हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये न्यूज़ ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ गया है, कहा कि इंडिया कॉमा भूटान है टू हैव 7 मोर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड। कहा कि जो इंडिया है एंड भूटान है उन्होंने 7 नए पॉइंट्स को ओपन किया है अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए, 7 मोर पॉइंट्स उन्होंने ओपन किए हैं। इंडिया एंड भूटान विल हैव 7 एडिशनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड एज पार्ट ऑफ मेजर्स टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी। कहा कि जो जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, हमारा भूटान के साथ बॉर्डर है, नेपाल के साथ बॉर्डर है, तो यहाँ से हमारा इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट आता है, काफ़ी सारी चीज़ का हम सामान का कमोडिटीज़ हैं तो उनको हम भेजते हैं या मंगाते हैं। तो कहा कि भूटान के साथ भी हमारा काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो कहा कि हमने 7 न्यू गेट्स ओपन किए हैं। भूटान एक काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी शांति प्रिय, नेपाल एंड भूटान दोनों ही देशों के साथ हमारे इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो कहा कि भूटान के साथ हमने कुछ नए जो गेट्स हैं वो ओपन किए हैं ताकि जो बिजनेस है वो ज़्यादा हो सके, अच्छा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया आपके सामने, द डिसीजन वॉज टेकन एट ए कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन ट्रेड एंड ट्रांजिट इशूज़ हेयर। तो कहा कि ये जो आपका कदम है वो उठाया गया, दोनों देशों का एक मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में ये कदम को उठाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया, द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय BVR सुब्रमण्यम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। जो इंडिया की साइड से वो डेलीगेशन को लीड किया तो वो आपका इंडिया के जो आपके सचिव हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द भूटानीज डेलीगेशन वॉज लेड बाय दाशो कर्मा टैशरिंग। जो भूटानीज डेलीगेशन है उसको रिप्रेजेंट किया, उनको हेड किया दाशो कर्मा टैशरिंग ने, एंड वो कौन है? तो वो दिया है सेक्रेटरी कॉमा मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान। वो क्या है? जो गवर्नमेंट है भूटान का, वहाँ पर जो इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्ट्री है उसमें सचिव है, सेक्रेटरी है। तो इसी के साथ हमारा न्यूज़ आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, कहा कि वेटरन ऑस्ट्रेलियन जज हिलेरी चार्ल्सवर्थ इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहा कि जो आपके ICJ है उसमें एक नए जज का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हमने जब भी हम इंटरनेशनल संस्थानों का बात करते हैं दुनिया में, चाहे हम वर्ल्ड बैंक का बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बात करें, चाहे हम UN का बात करें, आशियान का बात करें, तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, G7 है, G20 है, तो उनमें आपका ICJ एक बहुत बड़ा नाम आता है। तो कहा कि ICJ में एक नए जज का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो यहाँ पे दिया है। तो वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंड नाम क्या है? हिलेरी चार्ल्सवर्थ नाम है उनका। कुछ और पॉइंट इसी न्यूज़ से जोड़ के हमने आपके सामने दिए हैं, कहा कि हिलेरी चार्ल्सवर्थ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल रिप्लेस जेम्स क्रॉफोर्ड। तो जो आपकी चार्ल्सवर्थ हैं वो रिप्रेजेंट जो रिप्लेस करेंगी किसको? जेम्स साहब को रिप्लेस करेंगी, ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जेम्स साहब कहाँ से थे? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही थे। हु डाइड इन मे, जिनका डेथ हो गया, निधन हो गया मई के महीने में, एंड हैड बीन ऑन द कोर्ट सिंस 2014, जो कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुड़े हुए थे 2014 से। शी विल सर्व द रिमेंडर ऑफ मिस क्रॉफोर्ड्स 9-year टर्म विच हैज सम 2 year रिमेनिंग। कहा कि ये अभी जो है वो इनका जो जो जिनका निधन हो गया, डेथ हो गया, उनका 2 साल का टेन्योर बचा हुआ था। 9 साल टोटल टेन्योर था इनका, उसमें से 2 साल बचा हुआ था। तो जो 2 साल बचा हुआ इनका टेन्योर है उसको ये जो आपकी चार्ल्सवर्थ है वो कंप्लीट करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, कहा प्रोफेसर चार्ल्सवर्थ डिफीटेड लाइनोस अलेक्जेंडर सिसिलानोस फ्रॉम ग्रीस। तो इन्होंने किसको डिफीट किया है? तो ग्रीस के थे आपके जो सिसिलानोस थे, इनको डिफीट किया है विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, बिकमिंग द 5th वुमन जज एवर एट द ICJ।
कहा कि इन्होंने अच्छा मेजोरिटी के साथ जीता है एंड पांचवी जो महिला जज हैं वो बन गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और दिया आपके सामने जुड़ा इसी पॉइंट से, इसी न्यूज़ के साथ, सी इज़ वेल नोन एज द प्रमिनेंट स्कॉलर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड हैज़ ऑल्सो सर्व एज ए जज एंड एच ओ सी फॉर द कोर्ट इन टू कॉन्टीन्यूअस रूलिंग ऑफ द ICJ। उन्होंने कहा कि ये जो क्या जो पर्सन है वो क्या है, तो थोड़ा समझाया कि वो क्या है कि एक लॉ का बहुत ही अच्छा स्कॉलर रही है एंड उन्होंने पहले भी आपको कुछ टाइम पर ये सर्व किया है ICJ में। तो कुछ केसेस के नाम दिए हैं यहाँ पे, कौन से किस केस में उन्होंने उसको ICJ में काम किया है, तो यहाँ पे कुछ केसेस के नाम दिए हैं, तो वो आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने दे दिया है। उसके साथ ही बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो कहा कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार टू बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। कहा कि जो वाइस एडमिरल हैं आर हरि कुमार वो आपके नेवी के नए अध्यक्ष होंगे। तो कहा कि कुछ पॉइंट्स और इसमें जोड़ दिए ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। कहा कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ विद इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 2021। कहा कि जो आपके हरि कुमार हैं आर हरि कुमार हैं वो आपके नए अध्यक्ष बन जाएंगे नेवी के। कब से इफेक्ट होगा ये? 30 नवंबर 2021 से ही आपका इफेक्ट में आएगा। ही इज़ प्रेजेंटली द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। वो अभी क्या है? तो वो अभी क्या है, वेस्टर्न जो नेवल कमांड है उसके आपके कमांडिंग ऑफिसर है। ही सक्सीडेड एडमिरल करमबीर सिंह। वो किसकी जगह पे बैठेंगे, किसकी जगह पे पद को संभालेंगे? तो करमबीर सिंह की जगह पे वो पद को संभालेंगे। हु विल रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन 30 नवंबर 2021। जो कि अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे 30 नवंबर को अपनी सेवाएं समाप्त करेंगे। ही वॉज कमीशनड ऑन द 1 जैन 1983 इन टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंडियन नेवी। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हरि कुमार के बारे में कि उन्होंने जीवन में कहाँ से अचीव किया, कहाँ से वो आगे बढ़े। तो 1 जैन 1983 को वो आपका ज्वाइन किए थे इंडियन नेवी को। ही सर्व एज फ्लीट ऑफ ऑपरेशंस ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट। उन्होंने जो देश का सेवा किया है, जो नेवी का सेवा किया है, तो कहा फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर रहे हैं वो, वेस्टर्न फ्लीट में रहे हैं। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल टू इनॉग्रेट 40th एडिशन ऑफ IITF ऑन आत्मनिर्भर भारत। तो सबसे पहले एक टर्म दिया है यहाँ पे IITF, जिसका फुल फॉर्म नीचे दिया भी है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। जैसा कि हमें पता है कि IITF हम हर साल मनाते हैं एंड हर साल हमारा जो एक फेयर, जो एक काफ़ी बड़ा ये आपका फेयर है, प्रगति मैदान में दिल्ली में एक आयोजित किया जाता है। तो उसको अभी ये अभी स्टार्ट होना है, 14 नवंबर से स्टार्ट आपका जो होना है। तो कहा कि ये अभी इसको उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर है। तो 14 नवंबर को ये IITF स्टार्ट होगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। एंड जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है कि जो इम्पोर्ट है वो कम से कम हो एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कहा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी मजबूत होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी डाउन होगा। तो कहा कि आत्मनिर्भर भारत, हम इंडिपेंडेंट बने, हम चीज़ें एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट करें। इट इज़ ए मैग्नम ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज टोटली एज एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर न्यूमरस बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कहा कि जो आपका IITF है इसमें कुछ डेज आपके रहेंगे बिजनेस मैन के लिए एंड कुछ डेज आपके रहेंगे जो आपके कॉमन पब्लिक हैं उनके लिए। तो आपका आपके 14 to 18 आपका तक रहेगा ये आपका बिजनेस मैनों के लिए, और 19 से लेकर आगे तक वो रहेगा जो कॉमन पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, जिसमें कि बिजनेस मैन जाएंगे। कुछ मानो कुछ इन्वेंशंस हैं, कुछ नए इनोवेशन हैं, कुछ ऐसी कुछ पर्सनस हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशंस किए हैं, तो वो अपना आइडिया दिखा सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, तो उनको पसंद आता है आइडिया, तो उसको वो आगे प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना। तो इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी संभावनाएं होती हैं जो नई नई कुछ कंपनीज बन के सामने आती हैं, नए नए कुछ आइडिया सामने आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। तो हमने IITF का बात किया एंड आत्मनिर्भर जो भारत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका भी बात किया। तो आगे इसी के साथ थोड़ा नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है, मोदी नारी वातनाबे री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIG। तो अभी आपके जो वातनाबे हैं वो अभी इलेक्टेड हो गए हैं, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं FIG के। FIG क्या है, देखो नीचे दिया है हमने, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। FIG का मीनिंग क्या, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। तो
तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो कुछ पॉइंट हमने नीचे दिए हैं आपके सामने। मोलिनारी वातनावे जापान के हैं, हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल जिमनास्टिक फेडरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए ये इसके अध्यक्ष बने हैं इंटरनेशनल जिमनास्टिक फेडरेशन के। कहाँ से हैं? जापान से हैं। ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIG इन 2016 फॉर ए 4 ईयर टर्म बिगनिंग जनवरी 2017। कहा कि जो अभी आपके जो राष्ट्रपति जो अध्यक्ष बनेंगे FIG के, तो ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIG इन 2016। सबसे पहले कब बने थे वो? 2016 में बने थे। कब, कितने टाइम के लिए बने थे? 4 ईयर के लिए बने थे, तो जो कि 2017 से स्टार्ट हुआ। हिज टर्म वॉज देन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, उसके बाद 1 साल बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया, अगेन ये 10 ईयर बढ़ा दिया गया हमका। ही विल नाउ कंटिन्यू टू होल्ड द पोजिशन टिल 2024, 2024 तक वो इस पद पर बैठे रहेंगे। यदि कोई पर्सन अच्छा होता है तो उसका टेन्योर एक्सटेंड किया जाता है, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल, तो उनका भी टेन्योर हमने अभी बढ़ाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ाया है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल जिमनास्टिक फेडरेशन आपके सामने दिया है, कहाँ पे हेड ऑफिस है संस्थान का, तो आपका जो जगह है वो लोसाने है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में आपका स्थान है जहाँ पे इनका हेड ऑफिस है इंटरनेशनल जिमनास्टिक फेडरेशन का। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने आ गई है। कहा कि इंडियाज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज 1.9 बिलियन USD टू 642 बिलियन USD। ये आपका रिपोर्ट है, किसका है? RBI का है, कि जो हमारा फॉरन रिजर्व है उसका जो आपका एक डाटा है वो बढ़ गया है। थोड़ा सा मैं आपको फॉरन रिजर्व के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, कि जो RBI है अपना सेंट्रल बैंक है, तो उसका जिम्मेदारी है कि जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस बाई चांस हो जाए तो कुछ हमारे पास बैकअप मनी होना चाहिए। तो वो जब बैकअप मनी रहेगा वो रुपीज़ की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो फॉरेक्स की फॉर्म में रहेगा। फॉरेक्स में भी काफ़ी सारा चीज़ें हैं जो हमने दिया है नीचे, तो उसमें आपका जो दूसरे देश है उनका करेंसीज आता है, जैसे USD है, पाउंड है, कुछ SDR आता है। SDR का नीचे बात किया है हमने, तो SDR का मीन्स है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो उसका आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे नीचे। कुछ ऐसा भी चीज़ आता है जैसा कि कुछ जो USA है या आपका जो जापान है, यूरोप में जितने भी और भी कंट्रीज़ हैं, तो हम कहें कि जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, तो जितना भी यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एशिया है, कुछ अच्छी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ के भी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आते हैं जो फॉरेक्स में आते हैं, वो सब मिला के एक फॉरेक्स बनता है। तो कहा कि एज पर RBI डाटा इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैव इंक्रीज्ड बाय USD 1.919 बिलियन फॉर द वीक एंडेड October 29। तो हमारा फॉरेक्स एक इंक्रीज हो गया है, तो वो आपके सामने दिया है कहाँ पहुँच गया है, 642.019 बिलियन USD पे पहुँच गया है वो। तो एक अच्छा न्यूज़ है, वो इकोनॉमिकली एक बूस्ट है, इकोनॉमिकली अच्छा है कदम, कि जितना अपने पास अच्छा ज़्यादा बैकअप होगा, ज़्यादा रिजर्व होगा, उससे देश का उतना मजबूती रहेगा, इकोनॉमी उतना अच्छा रहेगा। फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 1.363 बिलियन टू USD 578.462 बिलियन फॉर द रिपोर्टिंग वीक। तो कहा कि जो फॉरेन करेंसी है, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि जो आपका फॉरेक्स है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, फॉरेन करेंसी है, गोल्ड है, SDR है, तो फॉरेन करेंसी है उसका भी अमाउंट बढ़ गया है। जब टोटल अमाउंट बढ़ेगा तो जो सेपरेट चीज़ें हैं उनका भी अमाउंट बढ़ेगा। तो कहा कि वैल्यू ऑफ द गोल्ड रिजर्व इंक्रीज बाई USD 572 मिलियन टू USD 39.012 मिलियन। तो सोने का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, वो भी इंक्रीज हो गया है। SDR विद द IMF रोज बाय USD 17 मिलियन टू USD 19.304 बिलियन। कहा कि जो आपका SDR का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। SDR को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। SDR मैंने जैसे पीछे कहा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR क्या है? कि जो IMF है उसमें कुछ करेंसीज की फॉर्म में ही IMF आपको पैसा देती है, जब किसी देश को पैसा चाहिए होता है तो वो आपका जो जिस फॉर्म में पैसा देगी उस फॉर्म को कहते हैं आप SDR। तो जिसमें कि आपका USD है, आपका चाइना का रेनमिनबी है, जापान का आपका येन है, तो कुछ ऐसे देशों का जो करेंसी है उनका ग्रुप है उसको SDR आप कहते हैं। तो इसका भी SDR का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। द फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड गोल्ड SDR एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स। देखो मैंने पीछे भी कहा आपसे कि जो आपका फॉरेक्स है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, गोल्ड भी है, SDR भी है, फॉरेन करेंसीज हैं एंड कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ पे पहुंच जाते हैं। तो कहा कि ईएसएफ बैंक जॉइन हैंड्स विद नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ईएसएफ बैंक ने हाथ मिलाया है नाबार्ड के साथ एंड ताकि इकोनॉमी जो है, जो लोकल आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आपके हमारे राज्य हैं, वहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके।
तो जैसा हम नाबार्ड आप सभी पढ़ते हैं, तो नाबार्ड आपने सुना हुआ है, नाबार्ड जैसा आरबीआई है, तो आरबीआई हमारा पूरा इंडिया को मैनेज करता है। तो नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो हमारे जो किसान हैं, जो हमारा ज़मीन है, जो हमारा खेती है, उसको बढ़ाने के लिए योगदान देता है नाबार्ड। तो कहा कि आप मुझे कमेंट में नाबार्ड का यदि किसी को नाम याद है, फुल फॉर्म याद है, तो फटाफट से कमेंट बताओ। देखते हैं कौन हमें बता पाता है कमेंट में नाबार्ड का फुल फॉर्म, यदि कोई बता पाता है तो देखते हैं कौन बताता है, नहीं तो सेशन के एंड में मैं आपको कंप्लीट नाम बताऊंगा। तो कहा ईसीएफ पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कैसे स्टार्टिंग किया। ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहा कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक ईसीएफ है, उन्होंने हाथ मिलाया है नाबार्ड के साथ, ताकि डिस्ट्रिक्ट को मजबूत बनाया जा सके और डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखो, बैंक्स हैं या फाइनेंस कंपनीज हैं या कोई जितने भी आपके एनबीएफसीज हैं, वो मनी देते हैं मार्केट में, और मनी देते हैं तो कुछ बिजनेस नए बनते हैं, कुछ कंपनीज नई बनती हैं, कुछ फैक्ट्रियां नहीं बनती हैं, किसानों तक पैसा पहुंचता है, जिससे क्या होता है कि वो जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ता है। तो यही आपका काम है, बैंक्स का, फाइनेंस कंपनी का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जितने भी एनबीएफसी हैं या बैंक्स हैं, सभी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े हैं। कहा कि राजन द स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्टेट लेवल लोकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द बैंक इन दिस रिगार्ड। तो कहा कि राजन, जो कि स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है जो स्टेट में, उसके उसके लिए ये काम किया है, आगे बढ़ाया है चीज़ों को, उसमें सपोर्ट किया है। तो कहा कि इस ईसीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टेट वाइड इनिशिएटिव ऑन लोकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोलाबोरेशन विद नाबार्ड इज ए स्टेप टूवार्ड्स बिल्डिंग फाइनेंस लिटरली एट ग्रास रूट लेवल्स। कहा कि जो ईसीएफ है, जैसे मैंने पीछे भी कहा आपसे, नाबार्ड है, चाहे ईसीएफ है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हैं, तो कहा कि ये सब का जिम्मेदारी क्या है कि जो एक बेस में जाना, जो एक आम आदमी है वहाँ तक पहुँचना, ताकि आम आदमी तक हम पैसा पहुंचाएं, एंड आम आदमी जब आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही जो उसका फैमिली है वो आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा, एंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आगे बढ़ेगा, एंड धीमे धीमे देश आगे बढ़ेगा। तो वही आपका यहाँ पे डिस्कशन किया है। उसके साथ ही हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है। तो कहा कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ गया है। एस बी आई लॉन्चेज वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स। एस बी आई ने लॉन्च किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट को आपका स्टार्ट किया है, जो कि पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन आता है उनके लिए ये सेवा दिया है एस बी आई ने स्टार्ट किया है। मैं थोड़ा सा कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कहा कि जो आपका जो जिनके पास पेंशन पहुंचता है, तो पेंशन आपको पता है कि गवर्नमेंट की साइड से आता है, कुछ और भी स्कीम्स है तो वहाँ के तहत कुछ आता है। तो कहा कि पेंशन आता है तो जीते जी आपको जो पर्सन होता है, तो उनको कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा जो गवर्नमेंट है वो देता है। तो उसका यदि वो यदि जीवित नहीं है या उनकी पत्नी जीवित नहीं है, तो पेंशन बंद हो जाता है, बच्चों को पेंशन नहीं आता है। तो कहा कि एस बी आई हैज़ कम आउट विद ए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स विच इज़ कम्प्लीटली पेपरलेस एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कहा कि एस बी आई ने आपका जो कदम है उसको स्टार्ट किया है, एंड इस सर्टिफिकेट को स्टार्ट किया है, जो कि पेपरलेस है, उसमें आपका कोई कॉस्टिंग भी नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी इतना अपडेट है, तो उसमें आपका आज के टाइम पे डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो सब कुछ आपका डिजिटल ही हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया, दिस न्यू फैसिलिटी विल एनेबल द पेंशनर्स टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू वीडियो एट द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स। कहा कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वीडियो के माध्यम से ही आपको असाइन हो जाएगा, एंड आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कि जो एसबीआई के ऑफिसर्स हैं वो आपको चेक कर देंगे कि आपका आप मानो जिसके नाम से पेंशन आता है, तो उसका वो पर्सन यदि वीडियो पर लाइव बैठा हुआ है, तो मींस वो जीवित है, वो सही है, तो उसका पेंशन अकाउंट में कंटिन्यू जाना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उसका पेंशन, मानो कि उनका वाइफ है, तो यदि उनके लिए ये सुविधा नहीं है, वाइफ के लिए ये सुविधा नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, नीचे मेंशन भी किया है हमने कि जो आपकी जो वाइफ है या कोई ऐसा पार्टनर है, वो उसके लिए ये सुविधा नहीं है। ये अभी जो स्टार्ट किया है वो उन्हीं के लिए स्टार्ट किया है जिनके नाम से पेंशन आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया, हाउएवर इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पेंशनर्स एंड नॉट फॉर फैमिली पेंशनर्स, विच मीन्स दैट स्पाउस ऑफ द पेंशनर्स रिसीविंग द गवर्नमेंट पेंशन विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस फैसिलिटी। कि जो स्पाउस है वो इस सुविधा को नहीं फ़ायदा उठा पाएंगे, जिनके नाम से अकाउंट में पेंशन आता है, तो वही इस से जो सर्विस है, सेवा है, इसका फ़ायदा वही उठा पाएंगे जिनके नाम से पेंशन आती है, स्पाउस को नहीं अभी। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है।
बहुत अच्छा मोनिका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत बड़ी बढ़िया मोनिका बंसल ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। पढ़ते हैं आगे। आर बी आई लॉन्चेज इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन नेम्ड हरबिंगर 2021। तो एक आपके सामने टर्म है हरबिंगर, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। तो हरबिंगर का मीन्स होता है, जो आप एक हिंदी में समझ सकते हैं कि संदेश वाहक या संकेत आप देना, तो एक संदेश वाहक के नाम से आप समझ सकते हैं उसको। तो समझते हैं क्या है न्यूज़ में। आर बी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन नेम्ड एज हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आर बी आई आपका जो है, जैसे हमने पीछे भी कहा कि आर बी आई देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है, सेंट्रल बैंक है देश का, एंड जो भी बैंक से कदम उठाएंगे, कैसे कदम उठाएंगे, कैसा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, महंगाई कितना होगा, उस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आर बी आई कदम उठाता है। देश में महंगाई नहीं होना चाहिए, एंड जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो अच्छा होना चाहिए। ये सब जिम्मेदारियाँ आपका आरबीआई का है। तो कहा कि इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आरबीआई ने अभी एक ये आपका जो कदम है वो उठाया है। तो इसमें क्या किया है, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके माध्यम से समझते हैं क्या हुआ है इस पर। थीम ऑफ हरबिंगर 2021 इज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। देखो मैं थोड़ा सबको समझाता हूँ कि आरबीआई ने इसमें क्या किया कि जो आपका डिजिटल इनिशिएटिव है उसको एक प्रमोट करने का कोशिश किया है, कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम है हमारा, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेजते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो वो सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो ये आपका आरबीआई कदम उठाता है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कदम उठाता है। तो जो पेमेंट्स हैं वो आपका सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी होता है किसका, हमारा जो आरबीआई है एंड NPCI का। तो कहा कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट का सिस्टम है उसको अच्छे से अच्छा बनाए हम, तो उसके लिए क्या है कि कहा कि जितने भी हमारे जो आपके IT एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड कुछ ऐसा यदि उनको कुछ अच्छा सिस्टम बनाते हैं तो उसको आरबीआई प्रमोट करेगी, एंड उसको वो कुछ एक धनराशि देगी, कुछ अमाउंट प्राइज में देगी। तो 40 लाख रुपीज़ आपका फर्स्ट जो जीतेगा इसको उसको दिया जाएगा, एंड 20 लाख रुपीज़ उनको दिए जाएंगे जो रहेंगे, जो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जो कुछ ऐसा इनिशिएटिव बनाएंगे जिससे पेमेंट एंड सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। तो नीचे कुछ दी हैं बातें, एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो दिया है ऑल एंटिटीज टीम्स और इंडिविजुअल्स, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है या टीम्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई ऐसे संस्थान है, कंपनीज है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 18 ईयर्स से आपका ज़्यादा एज होना चाहिए आपको यदि इसमें पार्टिसिपेट करना है तो। उसके बाद कहा कि हु पजेस मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट एंड दोज हु हैव एन एलिमेंट ऑफ इनोवेशन। कहा कि जिनके अंदर एक खास कुछ ऐसा बात हो कि कुछ नया कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए वो फ़ायदा हो सके, जिससे आपका पेमेंट का सिस्टम अच्छा बन सके। तो ये आपका कंपटीशन रहेगा जिसमें टेक्नोलॉजी कुछ बनानी होगी, कुछ इनिशिएटिव बनाना होगा जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में फ़ायदा हो सके जिससे हमें, तो आज भी उसको प्राइज़ देगी जो यदि इसको जीतता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ में हमारे सामने है IMF वेलकम्स इंडियाज विजन ऑन रिन्यूएबल्स कॉमा नेट जीरो टारगेट। तो जैसा देखो हमने पीछे अभी पढ़ा, अभी कॉप का मीटिंग हुआ, COP 26 का मीटिंग हुआ, उसका यहाँ पे नाम भी दिया है हमने नीचे देखो। तो कहा कि जो कॉप है वो क्या है, कॉप को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आपका जो है उसका मीटिंग हुआ है जो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, ये सारा मीटिंग जो है कॉप का जो मीटिंग है वो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो कहा कि IMF ने स्वागत किया है, जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कॉप का मीटिंग में, कि इंडिया जो है वो नेट जीरो अचीव करेगा, नेट जीरो तक पहुंचेगा। नेट जीरो का मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। नेट जीरो का मीनिंग है कि जो कार्बन इजेक्शन होता है, कोई भी देश है, कोई भी इकोनॉमी है, तो उसमें कार्बन हम छोड़ते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, चाहे वो कंपनीज़ हो, या हम खुद भी हैं, तो हम CO2 छोड़ते हैं। इसमें CO2 में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में C है कार्बन। तो कहा कि कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या हम सब हैं, कार्बन सभी छोड़ते हैं। तो हर एक देश में से कुछ कार्बन का उत्सर्जन होता है, कुछ कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो कार्बन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना आपके एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, एनवायरनमेंट को समस्या होती है, एंड CO2 आपको पता है कि जो CO2 है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कार्बन आपका ग्रीन हाउस में बढ़ावा देता है, तो इस वजह से कार्बन क्या है, हमें कम छोड़ना चाहिए, एंड जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वहाँ पे समिट हुआ है, तो ग्लासगो में समिट हुआ है, तो वहाँ पे हमने ये कहा कि हम नेट जीरो को अचीव करेंगे 2070 तक। देखो यहाँ पे दिया अभी मैंने नेट जीरो टारगेट बाय 2070, जो इंडिया है उसको अचीव करेगा नेट जीरो टारगेट को 2070 तक। एंड COP26 का समिट कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। तो IMF ने उसको एक अच्छा उसको स्वागत किया है कि जो इंडिया है उसने बहुत अच्छा एक जो अनाउंसमेंट किया है कि वो नेट जीरो तक पहुंचना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन बंद करना चाहते हैं 2070 तक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम कार्बन अपना इकोनॉमी से नहीं छोड़ेंगे, कंपनीज को चीज़ों को ऐसा बनाएंगे जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो भी निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड उसको कुछ उत्पादन में उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया, इन्वेस्टमेंट इन आरई एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्शन पॉलिसीज सजेस्ट इट इज़ वेल पोजिशनल टू टेक फर्दर स्टेप्स टू रीच दिस न्यू टारगेट। तो कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, जितना भी हमारा ऐसा सेक्टर है जैसा विंड एनर्जी है, जैसा सन का एनर्जी है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है एंड ताकि हमारा जो आपका कार्बन है या जो कोल है उसमें कम चीज़ें रहें और जो ऐसे एनर्जी है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो गवर्नमेंट ने कहा है, इंडिया ने कहा है कि हमारा जो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कि आपका रिन्यूएबल सेक्टर है, जो ऐसा एनर्जी है जहाँ से वापस हम एनर्जी को बना सकते हैं। तो IMF ने इसको स्वागत किया है एंड COP26 का मीटिंग कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेट जीरो कब तक पहुँचना है इंडिया को? 2070 तक पहुँचना है, 2070 तक पहुँचना है नेट जीरो को, कार्बन उत्सर्जन बंद कर देना है 2070 तक। उसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच गए, नेक्स्ट न्यूज़ पर पहुंच गए हैं। तो कहा कि समझते हैं क्या है न्यूज़ में। अमेजोन एप्पल महिंद्रा ज्वाइन कोएलिशन टू ड्राइव जीरो कार्बन टेक डिमांड। कहा कि अमेजोन है, एप्पल है, महिंद्रा है, इन्होंने भी कहा है कि हम जीरो कार्बन तक पहुंचेंगे, हम जो कार्बन का जो एक जो आपका उत्सर्जन है उसको बंद कर देंगे एंड वो हमें पहुंचना है, ऐसा इन तीनों कंपनियों ने कहा है। ग्लोबल जाइंट्स लाइक अमेजोन एंड एप्पल एज वेल एज महिंद्रा ग्रुप एंड डालमिया सीमेंट फ्रॉम इंडिया हैव ज्वाइंट एज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन टू वर्क टूवर्ड्स ड्राइविंग डिमांड फॉर जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज। कहा कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, अमेजोन है, एप्पल है, महिंद्रा है, डालमिया सीमेंट है, इन्होंने कहा कि हम भी जो कार्बन जीरो तक पहुँचेंगे। द कोएलिशन हैज़ बीन लॉन्च एट द COP26 समिट बींग हेल्ड इन ग्लासगो। तो कहा कि अभी जैसे पीछे भी हमने बात किया, जो COP26 का जो मीटिंग है वो ग्लासगो में संपन्न हुआ, तो वहाँ पे ये बात उठाया गया। टू जंप स्टार्ट दिस एफर्ट द WEF इन पार्टनरशिप विद US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी हैज़ अनाउंस द फर्स्ट मूवर कोएलिशन। तो आपके जो US के साइड से जो आपके जॉन कैरी हैं, तो उन्होंने भी अपना कुछ ऐसा इनिशिएटिव के बारे में बात किया एंड उन्होंने भी कदमों को उठाने का बात किया। उसके साथ ही हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है। शुभेंदु, बहुत अच्छा, आपने भी बहुत सही जवाब दिया है, एकदम सही है, नाबार्ड का कंप्लीट नाम बताया है शुभेंदु, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो समझते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू सेट अप 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो कहा कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उन्होंने कहा कि 10,000 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो कहा कि जो आपका, जैसे हमें पता है कि आने वाला जो समय है वो किसका है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ऐसे जितने भी आपकी स्कूटीज़ हैं, जितने भी आपके स्कूटर्स हैं, जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, सब कैसी हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, क्योंकि जितना भी हमारा CNG है, LPG है या तेल है, हमारा ऑयल है, वो सब धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें चीज़ों को इलेक्ट्रिक पर लेके आना है एंड जैसा हम कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया हमने, सन की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो जिससे क्या है कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट को हम बचा पाएंगे। तो कहा कि अभी 10,000 नए इलेक्ट्रिक आपके चार्जिंग स्टेशन बनाएगी कौन? इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो बनाएगी। PM मोदी अनाउंस्ड इंडियाज प्लेज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। PM ने ये आपका अनाउंस किया है, ये शपथ दिया है उन्होंने कि हम 2070 तक ना कार्बन को आपका छोड़ना बंद कर देंगे एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल ड्राइव टू फाइट क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग COP26 समिट इन ग्लासगो। जैसा हमने पीछे भी बात किया, इसी पॉइंट पर हमने पीछे बात किया कि जो COP26 समिट है वो ग्लासगो में हुआ है, उसमें इंडिया ने कहा 2070 तक
हम कार्बन को छोड़ना बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे सामने है इंडियन ऑयल विल सून अनवील इट्स नेट जीरो एमिशन टारगेट। तो इंडियन ऑयल जो कंपनी है उन्होंने भी कहा है कि हम जल्दी ही कार्बन छोड़ना बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है ग्लोबल ऑयल मेजर्स बीपी एंड शेल हैव प्लेज टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो भारत पेट्रोलियम बीपी का मीन्स क्या है यहाँ पे, भारत पेट्रोलियम है जिन्होंने कहा कि हम 2050 तक नेट जो आपका जीरो है उसको अचीव करेंगे, कार्बन को छोड़ना बंद कर देंगे। उसके साथ ही हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है कहा ऑस्ट्रेलिया इज पुटिंग ए रोवर ऑन द मून इन 2024 टू सर्च फॉर वाटर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक रोबोट को आपका छोड़ने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है, पहुंचाने जा रहा है मून पर 2024 तक। किसकी खोज में? पानी की खोज में। तो उससे जुड़े कुछ पॉइंट हमने आपके सामने दिए। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड प्लान्स टू सेंड ए रोवर टू द मून एज अर्ली एज 2026 अंडर ए डील विद नासा। कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने नासा के साथ टाइप किया है 2026 तक। कहा कि पहले क्या था, ये 2026 था इसका टारगेट, अभी 2024 हो गया है कि जो मून तक पहुंचना है उनको, तो नासा के साथ उन्होंने टाइप किया है। द रोवर विल हार्वेस्ट लूनर सोयल कंटेनिंग ऑक्सीजन। कहा कि जो चांद की जो मिट्टी है वहाँ पे वो जो आपका कुछ ऑक्सीजन वहाँ पे उस मिट्टी में है तो उसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे वो जो आपका रोबोट है। विच कुड इवेंचुअली बी यूज टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ इन स्पेस, जो कि थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएगी जो इंसानी जीवन है उसको स्पेस में। इट विल द फर्स्ट रोबोट विद ऑस्ट्रेलियन मेड कंपोनेंट्स टू रीच द मून। ये पहला ऐसा रोबोट होगा जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपोनेंट से बना होगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक काफ़ी बड़ा कदम है, काफ़ी बड़ा उनका एक ये स्टेप रहेगा। द 10 किलोमीटर रोवर मेजरिंग 16 to 50 सेंटीमीटर विल बी लॉन्च अबरोड द हकोतो लैंडर बिल्ड बाय आई स्पेस ए जापानीज बेस्ड रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो इसको जो बनाने में जो सहायता किया है जो कंपनी है जापान की हकोतो, उन्होंने बनाने में सहायता किया है थोड़ा सा। उसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ गया है। कहा टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स रिसीविंग टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। दो इंडियन ऑफिसर्स हैं तो उनको आपका, उन्होंने आपका जो टेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड है वो जीता है, वो अचीव किया है उसको गवर्नमेंट ने, उनको दो ऑफिसर्स को दिया है। टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। कहा दो आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, एंड किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने दिया है। उसके बाद कहा नेक्स्ट पॉइंट में आपके सामने है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कॉलोनल अमित विष्ट। तो एक तो हैं आपके अमित विष्ट जिनको दिया गया है सेना मेडल वाज अवार्डेड फॉर हिज रैंड एक्टिविटीज। तो आपका सेना मेडल इनको दिया गया है, इनकी जो आपकी उन्होंने सेवाएं दी हैं देश को उसके लिए इनको सम्मान दिया गया है। तो जो अमित विष्ट हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया है हमने। विष्ट इज पोस्टेड एज प्रिंसिपल इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड। जो अमित विष्ट हैं वो क्या है, प्रिंसिपल हैं, कहाँ पे हैं? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तराखंड में है उसमें वो आपके प्रिंसिपल हैं। माउंटेनियरिंग आपको पता है क्या होता है कि पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं जो पर्संस उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको आपका प्रैक्टिस है ये। उसके साथ ही पॉइंट दिया द ऑफिसर्स हैज स्केल्ड मोर देन 20 अनस्केल्ड एंड अनमैंड टेक्निकल डिफिकल्ट पीक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। कहा जो ऑफिसर्स हैं जो अमित विष्ट हैं इन्होंने 20 चोटियों तक पहुँचे हैं, 20 पिक्स तक पहुँचे हैं जिसमें से कुछ ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच पाया था एंड कुछ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ ह्यूमंस पहुँचे हैं, तो कुछ इंडिया में हैं कुछ अब्रॉड में हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 20 पिक्स को अचीव किया है, 20 पिक्स पे इन्होंने विजय हासिल की है। रिसेंटली ही ऑल्सो स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। अभी वो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है इंडियन आर्मी ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कॉलोनल सर्विस धारवाल वाज अवार्डेड इन 2022 फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्काई डाइविंग। कहा इंडियन आर्मी जो ऑफिसर्स हैं सर्वेश धारवाल, उनको भी 2020 में आपका अवार्ड दिया गया था उनकी अचीवमेंट्स के लिए। किस चीज़ में अचीवमेंट्स किया उन्होंने? स्काई डाइविंग में अचीवमेंट्स किया था उन्होंने। तो दो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? एक तो अमित विष्ट हैं, एक साथ में आपके सर्वेश धारवाल हैं। उसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्स पद्म अवार्ड्स इन राष्ट्रपति भवन।
आपको पता है कि अभी पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये सब अवार्ड दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति जी ने। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने नीचे दिया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट्स द पद्म अवार्ड्स इन राष्ट्रपति भवन। तो आपके जो देश के, हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने अभी जो पद्म अवार्ड्स हैं वो राष्ट्रपति भवन में दिए हैं। द पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो कहा कि जो आपका पद्म अवार्ड्स हैं वो देश के सर्वोच्च सम्मान हैं जो कि दिए जाते हैं। द अवार्ड्स आर गिवन इन थ्री कैटेगरीज। ये तीन आपके जो कैटेगरीज हैं उसमें दिए जाते हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 119 पद्म अवार्ड्स विल बी प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट दिस ईयर। अभी इस साल कितने अवार्ड दिए गए हैं? 119 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि टोटल हैं। इसका भी सेपरेशन नीचे किया है। द लिस्ट कंप्राइजेज 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण एंड 102 पद्मश्री अवार्ड्स। आपके 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है, 102 पद्मश्री है। तो ये आपके अवार्ड्स हैं। उसी के साथ हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट, आपके जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट न्यूज़ है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पर पहुंच जाते हैं। मनिका बत्रा अर्चना कामत क्लिंच डबल्स टाइटल इन WTT कंटेंडर टूर्नामेंट। तो मनिका बत्रा एंड अर्चना कामत, इन्होंने ये अभी आपका फाइनल्स में पहुंच गई हैं एंड जो आपका टूर्नामेंट है उसमें फाइनलाइज, इन्होंने भी सेमीफाइनल में जीता है। इन समझते हैं नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं। इंडियन पेयर ऑफ मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश का कामत क्लिंच्ड द वुमेन्स डबल टाइटल इन द WTT कंटेंडर टूर्नामेंट इन नजास्को स्लोवेनिया। तो कहा कि जो मनिका बत्रा है एंड अर्चना है, अर्चना कामत है, उन्होंने आपका जो वुमेन्स का डबल्स टाइटल है वो अभी उसको अचीव किया है। द इंडियन ड्यू डिफिटेड द प्यूर्टो राइकन टीम ऑफ द मेलानिया डियाज अर्डिनिया डियाज इन द स्ट्रेट सेट्स बाय 11-3, 11-8, 12-10। तो इन्होंने डिफीट किया है जो आपकी मेलानिया डियाज है, अर्डिनिया डियाज है, इन दोनों को डिफीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने दिया, मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत एंटर्ड द फाइनल्स ऑफ द वुमेन्स डबल्स इवेंट ऑफ द WTT कंटेंडर टूर्नामेंट आफ्टर डिफीटिंग द टीम ऑफ यंग दीदी एंड रियो विशन। तो इन्होंने अब आपका जो फाइनल्स में पहुंच गए हैं मनिका बत्रा एंड अर्चना, जो कि उसके बाद कहा कि WTT को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पर हम पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, तो समझते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज़ में। संकल्प गुप्ता बिकम्स इंडियाज 71st ग्रांड मास्टर। तो संकल्प जो गुप्ता है वो आपके 71st ग्रांड मास्टर बन गए हैं। ग्रांड मास्टर आपको पता है चेस का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें ग्रांड मास्टर बनते हैं। उसके बाद समझते हैं क्या है इसमें। नागपुर बेस्ड टीनेजर संकल्प गुप्ता हैज़ बिकम इंडियाज 71st ग्रांड मास्टर बाय फिनिशिंग सेकंड इन द GM आस्क 3-round robin इवेंट इन सर्बिया। तो आपके जो टूर्नामेंट हुआ है वो सर्बिया में हुआ है, जिसमें 71st ग्रांड मास्टर वो बन गए हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट में कहा, ही सिक्योर्ड द 3 required GM norms बाय प्लेइंग 3 tournaments ऑन द ट्रॉट। GM का मीन्स आपको पता है ग्रांड मास्टर है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपका 3 tournaments में आपका गेम को खेला है। टू अचीव द GM टाइटल ए प्लेयर हैज़ टू सिक्योर 3 GM norms एंड क्रॉस द लाइव रेटिंग ऑफ 2500 ELO points। तो 2500 points आपके जीतने पड़ते हैं तब आपका जो ग्रांड मास्टर का टाइटल है वो जीत पाते हैं। ही वॉन 5 games एंड ड्रू 3 and lost 1। इन्होंने क्या किया कि 5 game जीते हैं, 3 आपके ड्रॉ किए हैं एंड 1 आपका जो है वो आपका ये डिफीट हो गए। टू टेक द सेकंड प्लेस विद 6.5 points इन द GM टूर्नामेंट। तो कहा कि इसी के साथ ही वो आपका जो है दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में 6.5 rank के साथ वो सेकंड प्लेस पर पहुंच गए हैं। उसके बाद समझते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है। नटखट बच्चा, साउंड मेरी तरफ से काफ़ी तेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या साउंड आपकी काफ़ी तेज रहे, अच्छी रहे, जितना भी है वो एफर्ट मैं आपको दे रहा हूँ नटखट बच्चा। तो समझते हैं क्या है न्यूज़ में। ईरान्स मिलिट्री बिगेन इट्स एनुअल वार गेम्स। ईरान की जो सेना है उन्होंने आपका जो गेम्स हैं वो स्टार्ट किए हैं एंड कैसे गेम्स हैं वो वॉर गेम्स हैं, युद्ध की प्रैक्टिस के गेम्स हैं, तो उसको स्टार्ट किया है। तो कहा कि उसका नाम क्या है, जोल फैगर 1400 इन गल्फ ऑफ ओमान। तो आपका जो ओमान की जो गल्फ है वहाँ पर प्रैक्टिस किया है ईरान की नेवी ने।
तो कहा नेवी एंड एयरफोर्स यूनिट्स एज वेल एज ग्राउंड फोर्सेज वर पार्टिसिपेटिंग इन ए मोर देन 1 मिलियन 100 किलोमीटर एरिया ईस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। कहा देखो यहाँ पे एक शब्द है स्ट्रेट, तो जैसा हम कहें कि जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ पे सी का बात होता है, ओशियन का बात होता है, बे का बात होता है, स्ट्रेट का बात होता है। तो स्ट्रेट का मीन्स होता है कि एक जो एक पानी के बीच से जाने का रास्ता है, एक वे है, तो वो आपको स्ट्रेट हम कहते हैं। तो वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया गया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, जो कि कहाँ पे है, ओमान के पास में है। द वार गेम्स आर एम्ड एट इम्प्रूविंग रेडीनेस इन कंफ्रंटिंग फॉरेन थ्रेट्स एंड एनी पॉसिबल इन्वेजन। ये क्या है कि देखो जो आपके देश की सेना है तो वो प्रैक्टिस करता है ताकि जो दूसरे देशों से अटैक हो तो जिससे थोड़ा सा बचाव हो सके। तो जो देश की सेना है वो प्रयास करती है प्रैक्टिस करने का समय समय पे कि जो कोई दूसरा देश अटैक करे तो उससे हम अपने देश को बचा पाए। नियरली 20% ऑफ ऑल ऑयल शिपिंग पासिस थ्रू द स्ट्रेट टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशन। कहा कि जो आपका 20% जो 20% आपके जो शिप हैं ऑयल के वो पास होते हैं यहाँ से, इस स्ट्रेट से पास होते हैं वो, जो 20% पानी के जहाज़ हैं। आपको पता है कि ईरान है, इराक है, ओमान है, यहाँ से आपका जो काफ़ी सारा जो तेल है वो इंडिया तक पहुँचता है, तो उसी का यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे ईरान ने आपका जो युद्ध का एक अपना जो प्रैक्टिस किया है ताकि वो दूसरे देशों के अटैक से बच सकें। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ को हम समझते हैं। कोनेरू रामकृष्ण राव पास्ट अवे। जो कोनेरू रामकृष्ण हैं वो आपके उनका निधन हो गया है, पास्ट अवे हो गए हैं, तो उसको समझते हैं। उसमें कुछ पॉइंट है आपके सामने कि ये कौन थे। वेल नोन एजुकेशनिस्ट कॉमा टीचर एंड फिलोसोफर कोनेरू रामकृष्ण राव पास्ट अवे ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस। कहा कि जो आपके ये जो आपके कोनेरू रामकृष्ण राव हैं वो इनका निधन हो गया है एंड 89 उम्र के 89 का इनका एज था। तो ये इनका कैसे निधन हो गया, कुछ बीमारियां हो गई थी इनको, जैसे आपका एज पड़ता है तो कुछ डिजीज़ भी आपको हो जाती हैं। और क्या रहे, ये एजुकेशनिस्ट रहे, साथ में कुछ टीचर भी रहे एंड फिलोसोफर भी रहे, तो एक बहुत बड़े इंसान थे जिनका अभी निधन हो गया देश में। ही वॉज एन इंटरनेशनली रिकोगनाइज साइकोलॉजिस्ट एंड सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ US बेस्ड पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड द इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। कहा कि जो इन्होंने जो US बेस्ड पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसमें भी आपका जो देश उसमें काम किया है, उसमें कुछ समय बिताया है, जो US का जो संस्थान है। ही हैड रिटन मोर देन 20 बुक्स एंड 300 रिसर्च पब्लिकेशंस। उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी एंड साथ में आपका 300 जो आपके पेपर्स हैं उनको छापा है, इशू किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया, ही सर्वड एज ए चांसलर ऑफ GITAM। वो एक यूनिवर्सिटी है, उसके भी चांसलर रहे हैं GITAM, जो कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसके भी वो वाइस चांसलर रहे हैं कुछ टाइम पे। उनका निधन हो गया, तो जितने भी बड़े पर्सन्स का डेथ होता है तो वो भी आपके सामने कभी कभी एग्जाम्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2021 अभी मनाया गया है, 8 नवंबर को मनाया गया है। ये कुछ डेज भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यदि हम देखो एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं, SSC का, बैंक्स का, तो वहाँ पे एक डे आपका बैंक में पक्का आता ही आता है, तो यहाँ पे कुछ डे आपके सामने दिए हैं। तो कहा कि एवरी ईयर 8 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो हर साल क्या होता है कि 8 नवंबर के दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, टू कमोमोरेट द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशंस और एक्स रेज, जो कि एक्स जो आपके रेडिएशंस हैं, तो इनके सम्मान में इनको खोजा गया था, तो इसके सम्मान में हम इस डे को मनाते हैं दुनिया में। इन 1895 ऑन दिस डेट जर्मन साइंटिस्ट विलियम कॉनर्ड रॉन्टगेन डिस्कवर्ड एक्स रेज, हु इन 1901 बिकम द इनऑगरल विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इनको खोजा था 1895 में, जो विलियम रॉन्टगेन आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था 1901 में, एंड उस 1895 में खोजा था, 1895 में खोजा था, एंड 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसी काम के लिए फिजिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया, द फर्स्ट वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2012। सबसे पहला जो दिवस है, सबसे पहला जो डे है, वो 2012 में मनाया गया था। ये जो दिवस है रेडियोग्राफी डे, ग्लोबली वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट दिस डे, इंक्लूडिंग द UK's सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स,
तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, जितनी भी संस्थान हैं, सभी इस दिवस को मनाते हैं, सभी इस दिन को मनाते हैं, एंड जो यूके की संस्थान है वो भी इसको मनाती है। उसके साथ ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, तो फटाफट से इस पॉइंट को भी हम देखते हैं। तो समझते हैं क्या है, नेशनल लीगल सर्विस डे 2021 मनाया गया है, 9th of November को मनाया गया है। तो जैसे मैंने हमने पीछे भी बात किया था कि जस्टिस का बात किया था हमने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बात किया था कि जो जस्टिस है वो सभी को पहुंचना चाहिए, तो उसी से जुड़ा है कि आपका जो डे है वो भी है। तो आपका जो जस्टिस है वो देना जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जैसे हमने पीछे कदम उठाया कि जो एक वैन है, जो एक गाड़ी है वो भी चलाया गया, जिससे आम आदमी तक एक जो कानूनी जो एडवाइस है वो पहुँचाई जा सके। नेशनल लीगल सर्विस डे इज़ बींग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 9th of November इन इंडिया बाई ऑल लीगल सर्विस अथॉरिटी टू कमेमोरेट द एनेक्टमेंट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। जब हम पॉलिटी का बात करते हैं एंड जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स का एंड DPSP का, तो वहाँ पे हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का बात करते हैं। कहा कि जब आपका जो पुअर पर्सनस हैं उन तक भी न्याय पहुँचना चाहिए, जैसा मैंने पीछे भी कहा था कि जो गरीब व्यक्ति है उस तक भी न्याय पहुँचना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनका जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी है। तो जैसा आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वैसा ही डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होता है। तो इन सब का जिम्मेदारी है कि जो सेंटर जो देश में ये जो आपका जो सभी तक न्याय पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए दिवस मनाया गया। तो टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम शॉर्ट में थोड़ा सा फटाफट से कुछ जो पॉइंट्स बचे हैं उनको देंगे हम। तो ये अभी डे मनाया गया है 9th of November को, जिससे कि क्या है कि जो आम आदमी है उस तक भी न्याय पहुंचे, कानूनी जानकारी पहुंचे। तो जो नलसा आपका जो बना था कब बना था, 1987 बना था, 1987 में 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1987 को बन गया था आपका जो नलसा है, एंड 9th of November 1995 को आपका ये जो आपका एक्ट में आ गया था, जो आपका प्रभाव में आ गया था। उसके बाद आपके सामने कुछ क्विज सामने लेके आए हैं, जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं इसी से जुड़े कुछ क्विज आपके सामने हैं, तो देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। तो ये भी पीछे हमने पॉइंट पढ़ा था, इंडिया डैश टू हैव 7 मोर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड। तो इंडिया ने अभी 7 नए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अभी ओपन किए हैं। मैंने आपको पीछे बताया भी था किस देश के साथ ओपन किए। क्या कोई हमें जवाब दे सकता है, फटाफट से देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है हमें कमेंट में, कि हमने किस देश के साथ 7 नए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट स्टार्ट किए हैं। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, फटाफट से जवाब दीजिए, देखते कौन जवाब दे पाता है। पीछे हमने ये न्यूज़ पढ़ा है, तो मैंने पीछे बात किया था भूटान का, बात किया था हमने कि भूटान जो है उसके साथ हमने आपके साथ नए पॉइंट हमने जो है नए ओपन किए हैं। तो यहाँ पे ए बी एंड सी में से कोई भी भूटान नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया हुआ है। उसके साथ ही हमारा सेकंड जो क्विज सेकंड क्वेश्चन है क्विज का वो आ गया आपके सामने, फटाफट से ए बी पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, इसको फटाफट से जवाब दीजिए, देखते हैं हमको कौन जवाब देता है। सेकेंड क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है, तो सेकंड का आपका जो है वो आपका सी रहेगा, 1.9 बिलियन से 642 बिलियन USD आपका इंक्रीज, आपका बढ़िया है जो आपका फॉरेन जो आपका रिजर्व है वो इंक्रीज हो गया है। उसके साथ ही आ जाते हैं थर्ड पर, समझते हैं क्या है। तो इसमें आपका अमेजोन हो जाएगा, जो कि हमने पीछे न्यूज़ पढ़ा कि अमेजोन, एप्पल है, महिंद्रा, इन्होंने भी नेट जीरो को अचीव करने का अनाउंसमेंट किया है, कार्बन जो है उसको हम अचीव करेंगे, जीरो तक पहुँचेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं, कहा कि जो आपका टिश्यू कल्चर है कौन से स्टेट ने उसको आपका स्टार्ट किया, तो पंजाब ने, जैसा कि हमने समझा था पंजाब ने स्टार्ट किया है उसको। एंड उसके साथ आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, संकल्प जो गुप्ता है वो आपके 71st ग्रांड मास्टर हैं, वो बन गए हैं चेस में, ये भी हमने न्यूज़ पढ़ा था पीछे। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, तो इसमें यूएसए आपका जो है वो 101वां आपका जो कंट्री है वो बन गया है आईएसए में ज्वाइन करने वाला। उसके साथ ही 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो आपका गेम्स हैं वो हमने पीछे पढ़ा था, तो ईरान ने अभी आपका संपन्न किए हैं, ईरान ने इसको प्रैक्टिस किया है। ओमान जो आपकी गल्फ ऑफ ओमान है, जो कि आपका जो पानी है वहाँ पे ओमान के पास है, वहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया गया है। उसके साथ ही 8वां आपके सामने है, इंटरनेशनल सेफ डे आपका दुनिया में मनाया गया है, 20th of October को मनाया गया है इसको दुनिया में। एंड उसके साथ ही हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है, इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2021 मनाया गया है, कौन सी डेट को मनाया गया है, 17th of October को मनाया गया है।
इराडिकेशन का मीनिंग होता है ख़त्म कर देना, मिटा देना। पॉवर्टी, आपको पता है कि देश में गरीबी कम होना चाहिए, दुनिया में पॉवर्टी कम होना चाहिए, तो उसके लिए जो यूएन है वो भी कदम उठाता है एंड सभी देश की जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो भी सभी कदम उठाती हैं। उसके साथ ही हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 10 पर, कहा कि जो कौन सा अभी जो बैंक है या किस संस्थान ने जो एक अभी एक जो स्कीम है हरबिंजर 2021, इसको स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था। तो पीछे हमने पढ़ा था आरबीआई का बात किया था हमने, तो आरबीआई जो आपका है उन्होंने अभी ये जो हरबिंजर 2021 है वो स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। जैसा मैंने कहा था कि आरबीआई जो है उन्होंने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उन्होंने एक क्विज टाइप में, एक कंपटीशन टाइप में रखा है, जिसमें कुछ जो आईटी इंजीनियर्स हैं, जो आपके जो इंजीनियर्स कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए एंड प्राइस भी हमने बताया था, प्राइस जो है 40 लाख रुपीज़ अनाउंस करेगी आरबीआई, जो फर्स्ट जो जीतेगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन 10 है, क्विज के क्वेश्चन है वो भी खत्म हो गए एंड ये हमारा लास्ट वीक का जो था क्वेश्चन एंड कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने लेके आए थे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कुछ और नई न्यूज़, कुछ और नए पॉइंट्स आपके लेके आएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।